हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस जी अनामिका समाचार। और मैं हूँ अनामिका। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन होगा उसे भी क्लिक कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आज मैं आपको कॉफ़ी फेस मास्क एंड स्क्रब बताऊंगी, वो भी सिर्फ 2 रुपए में। और इस टाइप का एक कॉफ़ी है और आपको भी कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी दुकान पे 2 रुपए का। चाहे आपके घर में डब्बा है, बड़ा डब्बा है, उसमें से टू टेबल स्पून कॉफ़ी ले ले, सिर्फ उतना ही का काम है और आपके फेस पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए, स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल, उसमें और 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पैराशूट का कोकोनट ऑयल लिया है। और फिर मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड करूँगी। आपको जितना चाहिए, आप इसे फुल बॉडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड्स लेग पे भी स्क्रब कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा बेनिफिट देगा आपको ये। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी इतना दिन से, और अभी भी आवाज़ थोड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोग को। फिर मैं फेस मास्क बनाने के लिए कॉफ़ी पाउडर लूँगी 1 टेबल स्पून। और फिर मैं रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध, कभी भी कुछ भी फेस पे यूज़ करने के लिए बनाए या बॉडी पे, तो हमेशा कच्चा दूध का इस्तेमाल करें, उबले हुए दूध का इस्तेमाल ना करें। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये हमारा फेस मास्क रेडी हो गया है। और अगर पेस्ट ठीक है तो उसमें और रॉ मिल्क ऐड कर ले, पर ज़्यादा पतला ना बनाए, नहीं तो आपके फेस से गिरने लगेगा। फिर अपने क्लीन फेस पे स्क्रब को जेंटली स्क्रब करें, वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, फिर भी हमें स्क्रब जेंटली करना चाहिए। कॉफ़ी में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी स्किन से हानिकारक तत्वों को ख़त्म करने में हेल्प करता है, कीटनाशक पदार्थों को भी ख़त्म करने में हेल्प करता है। और इसे अच्छे तरीके से स्क्रब करें जेंटली, नोज के पास ज़्यादा करें क्योंकि वहाँ पे ब्लैक हेड्स होता है, और ये ब्लैक हेड्स को भी ख़त्म करने में हेल्प करता है। जिसकी ऑयली स्किन है उसके लिए और हेल्प है, उसके ऑयल को भी रिड्यूस करता है। अच्छे तरीके से इसे स्क्रब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट करें, उससे ज़्यादा नहीं। और आप इसे वीक में 2 बार ज़रूर लगाएं अच्छा रिजल्ट के लिए। और फिर आप अपने लिप पे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लिप के लिए भी ये बहुत अच्छा है। हम स्क्रब अपने फेस पे करते हैं बट लिप को छोड़ देते हैं, बट लिप को भी उसी के साथ स्क्रब करना चाहिए। ये हमारा स्क्रब हो गया है। फिर मैं अपने फेस को धो लूँगी अच्छी तरीके से। अब मैंने धो लिया है, अब इसके बाद मैं फेस पैक लगाऊंगी। आपके पास, आप चाहे तो हैंड से भी लगा सकते हैं, आपके पास कोई ब्रश ना हो तो। अच्छे तरीके से लगा ले, फिर इसे 15 मिनट्स के लिए छोड़ दे। ये जल्दी ड्राई हो जाता है, 10 मिनट के बाद ही ड्राई हो जाएगा। फिर आप इसे अपने फेस पे धो ले और फिर आपको इफेक्ट इसका पता चलेगा। मेरे कैमरा में आपको अच्छा सा नहीं आएगा, बट फिर भी मैंने बहुत अच्छा से किया है। सो ये था, देख लीजिए रिजल्ट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो ये था आज का वीडियो गाइस। आई होप कि आपको अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन होगा उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। और आप इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आरजे अनामिका शर्मा से। सो बाय गाइज एंड लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। बाय।